दिल्ली में कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसे पूरा किया जा सके। विदेशों से भी मदद मिल रही है। फ्रांस की मदद से दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए देखिए सूरज अरोड़ा की रिपोर्ट। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए आहें भरती दिल्ली को एक बड़ी राहत मिली है, राहत इस ऑक्सीजन के नए प्लांट की। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, फ्रांस से आया जो प्लांट है वो पूरी तरह से चालू हो चुका है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से इसकी स्पेशलिटी रहेगी, वो यहाँ के इंजीनियर हैं सुरेश, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त नए प्लांट का मुआयना करवा भी रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो आने वाले अलग अलग अस्पतालों से उनको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। राजीव गांधी के डॉक्टर इस समय जानकारी ले रहे हैं। सुरेश जी, थोड़ा सा आपसे हम समय चाहेंगे, ये जो प्लांट है जो आपने लगाया ये फ्रांस से आया है? जी फ्रांस से आया है जी। किस तरह से काम करेगा थोड़ा सा बताते चले जी। जी मैं बताता हूँ, बेसिकली ये एयर से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं इसमें, तो पहला यूनिट हमारा जो एयर कंप्रेसर है, ये एम्बियंट एयर को हाई प्रेशर में 8 से 10 bar के बीच में कंप्रेस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेटर है, रेफ्रिजरेटर है जी। इसमें क्या कि एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जनरेटर के ऑक्सीजन जनरेटर के अंदर अगर हम मॉइस्चर वाली एयर देंगे तो उसमें क्या है कि वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले एयर प्योर होनी चाहिए ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, जिसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए या कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से जो है हम पूरा मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं एयर का, उसके बाद ये स्टोरेज टैंक है एयर का जहाँ एयर को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन जनरेटर है। Okay. और इसके अलावा इसके बाद कौन सा वो फंक्शन आता है? इसके बाद जो है एयर में से ऑक्सीजन हम अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ब्लो अप कर देते हैं, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन है ये स्टोरेज टैंक में चली जाती है। ये स्टोरेज टैंक रहा, हाँ, इसमें फाइनली, हाँ, जहाँ पे जो फाइनली आपको 95% जो प्लांट की प्योरिटी है वो आपको प्योर ऑक्सीजन इस टैंक के अंदर मिल जाती है जी। यहाँ से आप आगे वितरित कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं, इससे लेके इसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं। आप डायरेक्ट अगर आपकी कंजप्शन प्लांट के अकॉर्डिंग है तो आप डायरेक्ट पाइपलाइन में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये सिस्टम जो है डिजाइन है सिलेंडर फिलिंग के लिए किया गया है। अच्छा, सिलेंडर फिलिंग के लिए बेसिकली ये सिस्टम है। सिस्टम है। ओके, जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, यहाँ की कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से कितने सिलेंडर निकल सकते हैं यहाँ से एक दिन में? ये इसमें हम 1 घंटे के अंदर जो है ये 10 liter के सिलेंडर हैं, 1 घंटे में 8 से 10 cylinder हम भर सकते हैं इसमें। 1 घंटे में 8 से 10, ये अलग अलग जो मतलब पाइप लगी हैं ये सारी चले तब, या एक पाइप से? एक पाइप से, आगे मल्टी कनेक्शन लिए हुए हैं, मल्टी कनेक्शन में हम सिलेंडर 4 जोड़ देते हैं तो चारों सिलेंडर हैं इकट्ठे एक ही टाइम में भरे जाते हैं ये। अच्छा, मतलब 1 घंटे में 8 से 10 निकाल, 8 से 10 निकल जाएंगे। अच्छा, जिस अस्पताल में हम लोग इस वक्त खड़े हैं, संजय गांधी अस्पताल में, यहाँ के लिए ही है या सिलेंडर इस वक्त अब मतलब बाहर भी जाएंगे, कैसे थोड़ा सा? सर, इसके बारे में मैं बेसिकली कमीशनिंग साइड से हूँ, प्लांट ऑपरेशनल करने के लिए, तो इसके बारे में जो है ऑफिस हॉस्पिटल ऑफिशियल जो हैं वो आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। अच्छा, लेकिन जी मैं बेसिकली टेक्निकली इसको कमीशन करने के लिए आया हूँ, तो कमीशनिंग प्रोसेस का मैं आपको बताऊँ। अच्छा, टेक्निकली अगर आपको नॉलेज है, टेक्निकली आप जानते हैं ज़्यादा, तो ये जो इंडिया में जो प्लांट लगे हैं ये फ्रांस से आया बाहर से, ये कितना अलग है, कितना एडवांस है? ये ऑटोमेटिक प्लांट है टोटल। बेसिकली इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि एक आपको जब तक आपकी ऑक्सीजन एक सर्टेन लेवल तक प्योर नहीं होगी ये आपको ऑक्सीजन आगे नहीं जाने देगा। प्लस ऑटोमेटिक प्लांट है, अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोडक्शन करेगा, अदरवाइज स्टैंड बाई में आ जाएगा, और जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। और क्या ये 24 घंटे वर्किंग रहेगा, रह सकता है, इतनी कैपेसिटी है? हाँ, बेसिकली जो 24/7 के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब लगातार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है? ऐसी कुछ नहीं है बेसिकली, फिर भी कोई भी मशीनरी है उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, वो एक मेंटेनेंस पॉइंट व्यू से अलग है, अदरवाइज ये ऑनलाइन जो है 24/7 के लिए वर्क। 1 घंटे में 8 से 10 सिलेंडर आपने बताया, एक मल्टीपल कनेक्शन है लेकिन एक पाइप से 8 से 10 सिलेंडर दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बड़ी राहत की खबर ज़रूर कही जा सकती है, मंगोलपुरी का राजधानी दिल्ली में संजय गांधी अस्पताल ये है, जहाँ पर फ्रांस से की मदद से ये पूरा प्लांट जो है लगा है
और इस तरह के कई और प्लांट की दिशा में भी काम किया जा रहा है और इसको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी दिल्ली सरकार ने डाला। इस तरह की जानकारी है कि आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे मदद मिल सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे लोग कितने परेशान हैं कि ये तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं, उस लिहाज से ये बड़ी राहत की खबर। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।